स्टार्ट भी कर देगा वीडियो। मैं रुक तो जा, एक मिनट रुक, बाल सेट कर लूँ। स्टार्ट कर दिया यार। तो हे गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू न्यू अनदर क्रिएटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कुछ इस टाइप आईडी वीडियो कैसे बना सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम रील्स में इस टाइप की सारी वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। और गाइज, अगर आप लोग भी इस टाइप की वीडियो एडिट करने के बाद इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड करो तो डेफिनेटली आपकी वीडियो भी यहाँ पर वायरल हो सकती है। और जब आपका वीडियो वायरल होगा तो आप लोगों के फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, लाइक भी आएंगे, एंड आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स से पैसा भी कमा सकते हैं। हाँ गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप लोग इस टाइप की वीडियो कैसे बना सकते हो। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल होगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यार, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरा फेस अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब और आप लोगों का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको तीन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा पिंटरेस्ट होगा, सेकंड एप्लीकेशन हमारा पिक्सल ऐप होगा, एंड थर्ड एप्लीकेशन गाइस हमारा होगा एलेट मोशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में आपको इमेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी के टाइम पर जो सारी वीडियोज यहाँ पर वायरल हो रही है उनमें बहुत बंदे इमेज यूज़ करते हैं। तो वो इमेज आप लोगों को पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में मिलेंगे। आप लोग वहाँ पर सर्च कर लेना कार्टून इमेज। तो जैसे ही आप कार्टून इमेज सर्च करेंगे पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे कार्टून इमेज देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्टली जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोगों को सेकंड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, सेलेब। तो चलिए, वो तो आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर ही आपको बताऊंगा कैसे एडिट करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को कार्टून फोटोज़ कहां से मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स में जो सारी वीडियो चल रही है उनमें जो फ़ोटो यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास वीडियो में काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमें इस टाइप की वीडियो तो हम बना लेते हैं, लेकिन जो इसमें इमेज यूज़ हो रहे हैं हम इनको कहां से डाउनलोड करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो इमेज आपको मिलेंगे कहां से। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। तो इस एप्लीकेशन का नेम है पिंटरेस्ट। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने अपने पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है, एंड देन ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगों को सर्च ब्राउजर में सर्च कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ आपको सर्च क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि आप लोगों को अपने फ्रेंड के ऊपर आपको शायरी क्रिएट करनी है, आपको कोई फ्रेंड है एंड देन आपको फ्रेंड के ऊपर अपनी शायरी को बनाना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर लिख लेना फ्रेंड, यहाँ पर आपको लिख लेना फ्रेंड कार्टून इमेज। तो जैसे आप इतना सर्च करेंगे ना बेस्ट फ्रेंड कार्टून इमेज, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आपको यहाँ पर इस टाइप के यहाँ पर कार्टून इमेज, बहुत अच्छे अच्छे इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मुझे अभी के टाइम पर मैं यहाँ पर इस वाले इमेज पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड देन जैसे ही आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो इसके सजेस्ट में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इस टाइप के यहाँ पर आपको फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो जो बंदे यूज़ करते हैं ना अभी के टाइम पे जो ट्रेंडिंग में भी चल रही है वो सब बंदे यहीं से यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर लेना, क्यूट कार्टून वाला पर भी आप सर्च कर सकते हैं। इस टाइप से भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर देख सकते हो आपको कार्टून इमेज देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोग यूज़ वगैरह करना चाहते हैं ना, बस आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको किसी भी इमेज पर क्लिक कर लेना, एंड देन उसके नीचे आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर लेना, एंड देन जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड इमेज का। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना, एंड देन जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो आपके ऊपर यहाँ पर आपका इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये फोटो आपका गैलरी में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस टाइप से गाइस आप लोगों को अपने फोटो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना, एंड देन उसके बाद अपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। अब ओपन करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या होगा, अब कैंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना, एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना, उसके बाद यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना 9, एंड इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर आपको लिख देना 16। तो जैसे आप इतना सर्च करेंगे ना, उसके बाद यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर लेना, एंड देन जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले करना क्या होगा, जो ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसको तो सबसे पहले आपको नीचे लेके आ जाना, एंड उसके बाद यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना, उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना।
तो जैसे कि आप फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे, अब मैं अभी के टाइम पे यहाँ पर ये इमेज यूज़ करने वाला हूँ, तो आप लोगों को इस इमेज को आपको ले लेना। एंड इमेज को लेने के बाद अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसका जो बैकग्राउंड है हमें रिमूव करना होगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। एंड उसके बाद आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इरेज कलर का, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना एंड इसको यहाँ से आप लोगों को इनेबल कर लेना। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर इनेबल करेंगे, अब आप लोगों के सामने इस टाइप्स का यहाँ पर इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर गाइस अब आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस वाले, ठीक है। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना एंड देन जो भी आप यहां पर रिमूव वगैरह करना चाहते हैं ना, उस पार्ट को आपको वहां पर लेके चले जाना। एंड वहां पर लेके जाने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर लेना एंड देन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली यहां से रिमूव हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आपको अच्छे से इसको रिमूव कर लेना इस टाइप से। एंड देन रिमूव करने के बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्मूथ एज का, तो आपको इसको थोड़ा इस टाइप से इंक्रीज कर देना एंड जो इसकी एज है ना, मतलब जो साइड से वो अच्छे तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को ओके पर क्लिक कर लेना एंड ओके पर क्लिक करने के बाद अब नीचे की साइड यहाँ से आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रोक कलर का, तो आपको स्ट्रोक कलर पर क्लिक कर लेना एंड देन इसकी स्ट्रोक कलर को आपको यहाँ पर ब्लैक या वाइट कर लेना, जो भी आप लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो अभी के टाइम पे तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ एंड देन उसके तो सॉरी गाइज मैं यहाँ से इसको वाइट ही कर देता हूँ क्योंकि वाइट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर लेना एंड ओके पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें इसमें शायरी वगैरह लिखनी होगी, ठीक है। तो शायरी को लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, जो ये टेक्स्ट है ना आपको इस पर क्लिक करना एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों को नीचे की साइड ए पर क्लिक कर लेना। ए पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट पर क्लिक करना, ठीक है। एडिट पर क्लिक करने के बाद अब जो ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिखा था इसको तो यहाँ से आपको रिमूव कर लेना, कट कर लेना एंड जो भी आप लोग यहाँ पर शायरी वगैरह लिखना चाहते हैं आप लोगों को अपनी शायरी को यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो जो मैंने तो शायरी यहाँ से ऑलरेडी लिखी हुई थी एंड मैंने यहाँ डायरेक्टली पेस्ट की एंड उसके बाद जो भी आप लोग इसमें इमोजी वगैरह लगाना चाहते हैं इमोजी वगैरह आप लोग इसमें अभी लगा देना, ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। तो अभी आप इमोजी वगैरह लगाना चाहते हैं अभी लगा लेना एंड देन इस टाइप से आप इमोजी वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब आप लोगों को ओके पर क्लिक करना एंड ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये कुछ स्टेप से यहाँ पर हमारी शायरी आ जाएगी। अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब थोड़ा सा यहाँ से स्टेप से कर लेना, स्टेप से करने के बाद आपको थोड़ा छोटा कर लेना स्टेप से, ठीक है। तो देख सकते हो ये कुछ स्टेप से हो जाएगा, ठीक है। स्टेप से करने के बाद अब नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा फॉन्ट का, तो आपको फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक कर लेना एंड उसके बाद आपको रिसेंट में चले जाना एंड देन मैं यहाँ पर एक फॉन्ट को अप्लाई कर देता हूँ। गाइस अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है तो इस फॉन्ट का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर लेना एंड आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो मैंने इस फॉन्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। फॉन्ट को अप्लाई करने के बाद अब जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं एडजस्ट करना चाहते हैं आप लोगों को अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना एंड उसके बाद अब इसमें हम कलर ऐड करने वाले हैं। तो कलर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अब नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कलर का, तो आपको कलर वाले आइकन पर क्लिक कर लेना एंड उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या होगा, अब इसमें अभी के टाइम पर समथिंग ब्लैक कलर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो हमारा ब्लैक कलर यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड उसके बाद यहाँ से आपको राइट पर क्लिक कर लेना एंड राइट पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग अपनी जो आपका पेज है इंस्टाग्राम पेज वगैरह या नाम वगैरह आईडी वगैरह का जो आप नाम है उसको कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट का, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना एंड देन टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एडिट पर चले जाना। एडिट पर जाने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को जो भी आपकी आईडी वगैरह का नाम है तो आप लोगों को अपनी आईडी वगैरह का यहाँ पर नाम लिख लेना। तो अभी के टाइम पे मैं लिख लेता हूँ एडिट 01। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया विनीत एडिट 01, ठीक है। आप लोगों को अपनी आईडी वगैरह का नेम यहाँ पर लिख देना। तो अभी के टाइम पे मैं तो यहाँ पर अपनी आईडी वगैरह का नेम लिख दिया है। लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर लेना। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग जहाँ पर भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको लेके जाना, लेकिन उससे पहले हम इसमें यहाँ पर फॉन्ट को लगाने वाले हैं। तो फॉन्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको फिर से फॉन्ट पर क्लिक कर लेना एंड फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद अभी के टाइम पे मैं समथिंग इसमें ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन फॉन्ट को यूज़ करने के बाद अब ओके पर क्लिक कर लेना एंड ओके पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं एंड देन जो भी आप इसका कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं अभी के टाइम पर इसमें रेड कलर यहाँ पर डाल लेता हूँ एंड रेड कलर को यहाँ पर लगाने के बाद ओके पर क्लिक कर लेना।
ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद फाइनली हमारी जो सारी इमेज है वो तो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें लास्ट काम एक और करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंट का, तो आपको ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना एंड देन आपका फोटो यहाँ से कुछ इस टाइप से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या होगा, इस इमेज को हमें अपनी गैलरी में सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, उसके बाद सेव एज इमेज पर क्लिक कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पर आपको पीएनजी रख लेना एंड देन जहाँ पर कस्टम है कस्टम को हटा के आपको अल्ट्रा को यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे ये इमेज हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा एंड उसके बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप लोगों को थर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना जो कि हमारा एलाइट मोशन है। तो चलिए फटाफट से मैं अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना एंड उसके बाद यहाँ से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पर एलाइट मोशन का ऑप्शन आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना, उसके बाद आपको मीडिया में चले जाना एंड मीडिया में जाने के बाद जो हमने अभी अभी फोटो क्रिएट किया था अब आप लोगों को उस फोटो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो फाइनली गाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस फोटो को यहाँ से इंपोर्ट कर दिया है। फोटो को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले इसकी लेंथ को आपको बढ़ा लेना, इसकी लेंथ को आपको समथिंग जितना बड़ा आप अपनी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप इसकी लेंथ को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो अभी के टाइम पर मैं इसकी लेंथ को यहाँ पर समथिंग यहाँ पर 7 या 8 सेकेंड तक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो मैंने इसकी लेंथ को यहाँ पर 7 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा कर दिया है एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्टिंग में आना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना, उसके बाद आपको इफेक्ट ब्राउजर में चले जाना एंड यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना, यहाँ पर आपको एक इफेक्ट आपको सर्च कर लेना, इस इफेक्ट का नेम है वेव वॉर्प, ठीक है। तो इस इफेक्ट पर आपको क्लिक करना एंड उसके बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो आपका इफेक्ट कुछ स्टेप से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा फेस का, तो फेस पर आपको यहां पर एक एनिमेशन दे देना, यानी कि आपको प्लस पर क्लिक कर लेना। प्लस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको यहां पर 2.5 आपको इसको रख कर देना यहां से। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इसको यहाँ से आपको 2.5 पर कर देना एंड देन उसके बाद यहाँ से आप लोगों को इस इमेज के आपको लास्ट में चले जाना एंड लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर से प्लस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों को 1 कर देना, 1.100 आपको रख लेना एंड देन उसके बाद आपको नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा एंगल। तो एंगल को आपको छेड़ना नहीं है, आपको सीधा स्पेसिंग पे आना होगा, ठीक है। स्पेसिंग पे आने के बाद यहाँ से आपको करना क्या होगा, इसको यहाँ से आपको माइनस कर देना, इसको समथिंग आप लोगों को यहाँ पर कर देना होगा 1.1 के समथिंग, ठीक है। इसको 1.1 के समथिंग आपको रख देना एंड देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मैग्नीट्यूड, तो आपको मैग्नीट्यूड पर क्लिक कर देना एंड मैग्नीट्यूड पर क्लिक करने के बाद इसको समथिंग आपको इसको कर देना आपको 1.9 के समथिंग, ठीक है। आपको इतना रख लेना इसको 1.9 एंड देन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आपकी शायरी के अंदर ये इफेक्ट कुछ इस टाइप से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जो कि देखने में काफ़ी भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्टली बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना एंड उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इफेक्ट ब्राउजर में चले जाना एंड आप लोगों को इसमें एक और इफेक्ट को ऐड कर लेना, तो इस इफेक्ट का नेम है गॉशियन ब्लर, आपको सर्च कर लेना। दैन जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये इफेक्ट कुछ स्टेप से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना एंड देन आपकी शायरी के ये अंदर ये इमेज ये क्वेश्चन बल्ब ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को इस इफेक्ट पर क्लिक कर लेना, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस पर क्लिक कर लेना एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद इसको बिल्कुल आपको बिल्कुल यहाँ से समथिंग आप लोगों को इसको 0.500 आपको रख लेना एंड उसके बाद जहाँ तक आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर आपको इसको लेके आ जाना। समथिंग मैं इसको यहाँ पर यहाँ तक रखना चाहता हूँ एंड देन यहाँ पर रखने के बाद आपको फिर से प्लस पर क्लिक करना एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद इसको अब यहाँ से बिल्कुल आपको माइनस कर देना। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो हमारी शायरी के अंदर ये कुछ स्टेप से यहाँ पर क्वेश्चन ब्लर ऐड हो जाएगा जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव भी लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से गाइज आप अपनी वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और गाइज अगर आप इसमें ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो ऐड के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पे जाना एंड मीडिया में देखिए गाइस मैं यहां पर एक वीडियो को यहां से ऐड कर लेता हूं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो मैंने यहां पर
एक वीडियो को इंपोर्ट कर दिया है एंड इस वीडियो में से ही मैं ऑडियो यहाँ पर निकालने वाला हूँ। तो ठीक है, ऑडियो निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद आप लोगों को ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना एंड उसके बाद एक्सेप्ट ऑडियो पर क्लिक कर लेना। तो जैसा कि आप एक्सेप्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो आपका ऑडियो यहाँ से निकल जाएगा। तो ऑडियो तो हमारा निकल चुका है, अब हमें वीडियो का तो कुछ काम नहीं है, तो वीडियो पर क्लिक करना एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर देना। ठीक है, तो देखते हो आपकी वीडियो के अंदर यहाँ पर ये ऑडियो निकल जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप से गाइस आप लोग यहाँ पर सारी वीडियो बना सकते हैं एंड देन उसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम रील्स में अपलोड कर सकते हैं एंड आप लोग अच्छे खासे यहाँ पर फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से गाइस आप अपनी वीडियो यहाँ पर बना लेना एंड देन आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस अगर आप इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करना, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।